और मेरे को चिकू के हाथ की रोटी खाने की थी, क्योंकि चिकू बहुत ही ज्यादा टेस्टी रोटी बनाते एकदम। पर मेरे हाथ से गोप्रो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हाँ बेटा, ये मेरी वॉच, थैंक यू। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज हमको जाना है मंदिर। आज हम जा रहे हैं जावर माता मंदिर, तो अब निकल ही रहे हैं। चिकू भी हो गए रेडी और हिमायरा भी यहाँ पर आ गई है मस्ती करने के लिए। तो हिमायरा की मस्ती ख़त्म हो गई, अब इसको चुपके से पट्टा के इसकी मम्मी के पास रख के निकलना पड़ेगा, नहीं तो पता चल गया ना जा रही हूँ तो साथ में ही हो जाने वाली है। ठीक है, नाचो नी, हाँ नाचो नी, गई नाचो, गली पे ना दो चाची चाची आती है इसको ऐसे उधर से उधर से ऐसे। ओ ये वाव। अब निकलते हैं बाहर और बाहर निकल के इसको चुपके से पटाके रख के फिर निकलना पड़ेगा। और बाहर कचरे वाली गाड़ी आ गई जिसको मजा आ गया, उस गाने पे ये डांस करती है। नहीं है कचरा खत्म, चलो बाहर जा रहे हैं बाहर, चलो। हाय फ्रेंड्स बोल दो। ओहो वो पता कैसे चलता है, पीछे बैकग्राउंड में चाची को लेना है। मिट्टू को, मिट्टू दिखा दो, जाके जा मिट्टू दिखा दो। चाची 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 तैयार हो गए मैडम पीपी जाने के लिए। शुष्क है चलो गाड़ी में आ जाओ। मैं मम्मा को पूछ के आ रही हूँ हिम्मी, ठीक है हिम्मी, मैं मम्मा को पूछ के आ रही हूँ, ठीक है। अभी एटीट्यूड फुल बैठ गई हूँ मैं गाड़ी में, डोंट डिस्टर्ब मी। मैं शूज लेके आऊँ आपके? ओ मैडम मैडम चाची 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 री ओके बाय बाय ओके थैंक यू। तो मम्मा को शूज, हाँ शूज ले लिए, शूज ले लिए। पीपी जा ले अपन। हाँ बच्चा मजा आ गई आपको, मजा आ गई। हम निकल चुके हैं घर से, पर एक बार हम चले जाते हैं शॉप करो, शॉप करो पर अटेंडेंस लगा देती हूँ। और हिम्मी के साथ हमारी फर्स्ट राइड है, यानी अलोन, साथ में तो हम गए हैं पर हम अकेले दोनों जने और हिम्मी हमारे साथ पहली बार है। तो अभी शॉप करो हम आ चुके हैं, पानी की बॉटल भी लेनी हम घर से भूल गए, सिर्फ हिमायरा की बॉटल ली है। तो हिमायरा की बॉटल ले कर फिर निकल, हिमायरा की क्या हमारे लिए बॉटल ले कर निकलते हैं। जय जय कर दो। हम पहुंचने आ गए जावर माता। तो जावर में हम खड़े रहे हैं, यहाँ पे बेस्ट नाश्ता है एक जगह का, तो वो चिकू लेने के लिए गए हिमायरा और मेरे दोनों के लिए। चिकू के लिए भी भूख लग गई है ना, क्योंकि कुछ भी ना ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करके नहीं आए, सीधे आ गए। चाचा आ रहे हैं बेटा, वो ये ना आपका बू, यूँ कह रहे हैं यहाँ का बेस्ट नाश्ता है यूँ, पर मैंने भी आज तक कभी ट्राई नहीं किया। आप जब लेके आएंगे तब पता चलेगा क्या नाश्ता है। हाँ बेटा पीपी, नो डोंट टच, डोंट टच। हाँ हाय, नहीं खोते चाचा, चाचा दादू को याद कर ले। फिर चाचा कैसे मारते हैं? नहीं मारते चाचा, चाचा आपको प्यार करते बेटा।
चाचा तो आपको मालते ही नहीं है। सब आए टच नहीं कर लो, भूख लग गई है इसको, भूख भूख कर रही है कब से पता है, भूख भूख क्यों कर रही है आज। ये यहाँ पे क्या मिलता है, ये आलू वड़े बेस्ट है यहाँ के फेमस है। तो ये यहाँ की फेमस नाश्ता, अभी हम नाश्ता करेंगे, हिमेरा को पेट भूख लग गई है ना। आज कोशिप लेने गए हिमेरा को थोड़ा ये आलू बड़ा जो था वो बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था, तो चिकन ने कहा कि इसको ये मत खिलाओ फालतू पेट खराब भी हो जाएगा, और गर्म भी बहुत ज़्यादा था, तो अभी इसके लिए चिप्स लेने के लिए गए चाचा, गए चिप्स लेने चाचा शिप लेने गए, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था यहाँ का आलू बड़ा, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ टीडी का फेमस है, मैं जावर समझ रही थी इस जगह को, पर नहीं ये टीडी है, जावर तो शायद और अंदर है। तो टीडी का फेमस नाश्ता और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, तो अब इसके लिए चिप्स लेके आते हैं चिकू, फिर इसको खिलाऊंगी। हिमायरा की चिप्स आ गई है, खोल दो भी वो ला लो। हम आ गए हैं मंदिर में और हिमायरा भी साथ में, पूजा का सामान ले लेते हैं। चलो पूजा करें, आजा जय जय करो। दर्शन हमारे हो चुके हैं, अभी मैं चिकू और हिमायरा तीनों जने हम यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, यानी मंदिर के बाहर 2 मिनट बैठना पड़ता है ना, तो बैठ रहे हैं, फिर हमारी गाड़ी में हम चलते हैं, और प्रसाद तो हमने ले लिया है, अब गाड़ी में चलते हैं। तो हम निकल चुके हैं और हिमायरा और मैं दोनों पीछे बैठे हैं, क्योंकि हिमायरा की मस्ती थोड़ी बढ़ गई है और आगे धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा कि मैं और हिमायरा पीछे ही बैठ जाते हैं, इसको स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा तो खेल पाएगी, नहीं तो इरीटेट हो जाएगी। और चिकू आगे आज अकेले, क्या चिकू कैसा लग रहा है? एक नंबर। ओहो जय माता दी। हिमायरा तो आते आते सो गई, अभी चिकू इसको इसके घर पे रख देंगे सीधा, क्योंकि सोई हुई है इसलिए, ताकि इसकी नींद है वो डिस्टर्ब नहीं हो, इसकी मम्मी के पास छोड़ के चौड़ा रहे इसको। जस्ट आए हम घर पर, और घर पर आने के बाद अभी आटा गूंद के रखा है और मम्मी बना रहे हैं तुअर की दाल, तो मीठी दाल तो मेरी फेवरेट है, तो अभी बन रही है। 5 मिनट रेस्ट करते हुए यार थकान लग गई है, कहीं जा गया इसलिए थकान लग जाती है। ये हमारा आज का खाना, सलाद रोटी दाल। चिकू को तो खाना नहीं है क्योंकि नाश्ता किया था, तो उनका तो पेट फूल है, पर मैं कर लेती हूँ खाना और फिर चलूँगी शॉप पे। बाहर आ गई हूँ, चिकू अब आ जाएंगे मुझे लेने के लिए, और फिर जाना है मुझे, और जाके आज तो स्टूडियो सेटअप करना ही है, क्योंकि अब से मेकअप के ट्यूटोरियल बनाने ही पड़ेंगे मुझे। मैं आ गई हूँ अभी शॉप पर, और शॉप पे है मुझे अभी कुछ काम, जो मेन मेरा पर्सनल काम है वो करती हूँ एक बार, फिर हम स्टूडियो जमाएंगे आज, और जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो एक बार क्लियर करेंगे, फिर स्टूडियो का काम। क्लाइंट से अभी जस्ट हुए हैं फ्री, और अभी हम कर जा रहे हैं स्टूडियो में, स्टूडियो में जाकर फिर हमको जमाना है पूरी तरीके से स्टूडियो, क्योंकि हमको कल से बनाना है मेकअप के ट्यूटोरियल, और आज यहाँ पर ब्रश धुल चुके हैं, यानी बिगनिंग हो गई है मेकअप के ट्यूटोरियल्स बनाने की। ब्रश ब्लेंडर सब धुल चुके हैं, अच्छे से मेकअप भी अरेंज हो गया है सारा, और यहाँ पर स्टूडियो का टेबल तो यहीं पर पड़ा हुआ है, पर ये स्टूडियो की कुछ हालत अभी ऐसी है, अभी इसको जमाएंगे हम। ये टेबल डालना था पर दूसरा टेबल लेके आ रहे हैं सोच रहे, और ये ऐसे भी चालू करके अभी देख, मैंने कहा यार चालू करके तो देखनी पड़ेगी कि गैस वैस तो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमने चालू नहीं किए। एक बार यहीं पे रहने दो, अगर नहीं आएगा फिर लास्ट ऑप्शन यही है। उस टेबल को वहीं स्टॉप कर दिया है, ये हमारी ऐसी चालू हो गई है, कूलिंग देते हुए बेचारी। स्टूडियो तो जमना आधा अधूरा रह गया, क्योंकि अभी वो टेबल आ नहीं सकता, क्योंकि कोई लारी वाले भैया हैं वो फ्री नहीं है, फ्री क्या जो हमारे कोई लेके आए ऐसा नहीं ऑल ओवर, और अभी मैं लेके आई हूँ मेरी आगे वाली शॉप से एरेंस का फ्रेशनर, क्योंकि अंदर फ्रेशनर ख़त्म हो गया था तो बाहर से लेके आई हूँ मैं, तो बाहर से फ्रेशनर लेके आई हूँ, तो थोड़ा यूँ अंदर सलोन में क्या रहता है ना, खुशबू ना आए तो मज़ा नहीं आता, और मुझे तो पर्सनली आप लोगों को पता ही होगा, आप लॉन्ग टाइम से अगर मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो तो,
मुझे खुशबू ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो अभी मैं फ्रेशर लगा दूँगी नया, पहले मैंने लेवेंडर लगा रखा था, अब नहीं, पहले मैंने रोमेंस लगा रखा था, अब मैं लेवेंडर लगा रही हूँ जो कि एरेंस का, और बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी। छः चॉइस हो गई है, अब मैं जा रही हूँ घर पर, और घर पर जाकर जल्दी से बनाएंगे डिनर क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है आज, और रात से थोड़ी वॉकिंग चालू करनी है शाम को। घर आ चुकी हूँ। आप बोलो एक बार, मैं कैसे बोलती बताओ। हिमालू, एप्पू कहाँ रखा आपने? एप्पू कहाँ है? कहाँ रखा आपने एप्पू? नहीं है, कहाँ है? मैं आ गई घर पे, और घर पे आने के बाद हिमायरा भी मेरे साथ में ही है। नाचो नो बेटा, अभी नहीं, हाँ गई। तो अभी मैं बनाऊंगी डिनर, और डिनर में अब चिकू को पूछती हूँ क्या खाना है, क्योंकि चिकू को नहीं भाएगा, मतलब नहीं, चिकू को पूछ ले क्या खाना है। खाना क्या? चाची हाँ चाची। चलो ये किसके कपड़े? चाचा पाकर दो। ये बस अब रख दो, होगी सफाई होगी। वो नहीं नीचे नहीं करते। हाँ चाची चाची कौन है? हिमी कौन है? चुकू चुकू। आपसे खोला किसने? जाओ गेट खोल के आओ। निमी आपकी गाड़ी की आवाज सुन के ही चिकू आ गया। गेट खोलो जल्दी जल्दी। खोले ही नहीं इसका, बस चले। ये कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? ये चिकू आ गया। बेड पे अपना हक जमाते हुए साइड में जाके बैठ चुकी है। लो टिशू, आइस आइस में आंसू आ रहे साफ कर। कौन आ गया? तू आ गए? तू आ गए? मी ये बे टच टच टच। चिकू आ जा, उनके इधर आ जा। चिकू आ जा बेबे। नाटक फुल नाटक करेगी अब, जब तक चिकू इसके पास आके बैठेंगे नहीं तब तक, फिर आके शर्मा शर्मा के मेरी गोद में घुसेगी ऐसे ऐसे कर करके। चाची मैं को ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना, यू कर करके, यू कर करके। ओ मैं को कह रही हूँ जा, यू चो 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 यहाँ पे चो। हिमायरा को रख के आने के बाद मैंने खाना बना लिया है, और चिकू ने बोला, मैं कब से कंफ्यूज थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर चिकू ने मुझे बोला कि आज तो टिफ़िन वाली सब्ज़ी बना दो, जो कि हमारे टिफ़िन में रोज़ सुबह सुबह बनती थी। रोज़ तो क्या, जब कोई सब्ज़ी नहीं थी होती थी तो मम्मी के दिमाग में एक ही चीज़ आती थी, आलू की सब्ज़ी कोरी फटाफट से फ्राई करते थे, क्योंकि आलू पक भी जल्दी जाते थे और बच्चों को लगते भी बहुत टेस्टी है। तो वही मैंने टिफ़िन की सब्ज़ी बनाई है आज, तो चलिए दर्शन करवाती हूँ मैं आपको। और चिकू ने आज प्लान बनाया था कि जल्दी से जल्दी मैं एडिट कर देता हूँ और फिर अपन आज कुछ मूवी देखेंगे, पर मेरे हाथ से गोप्रो गाड़ी में ही रह गया। अभी तो मैंने इसको मेरे हाथों से ही उठा लिया था, तो मेरी उंगलियाँ चिपक भी गई है। अभी इस सीज़न में शायद नए आलू आते हैं, क्या पता फटाक से पक जाते हैं। मुझे है ना इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, कब आलू निकलते हैं कब प्याज निकलते हैं, ये अभी मम्मी लेके आए तब पता है, तो ये थोड़ा बहुत अरेंज करने लगती हूँ। बाकी ये पता नहीं है कब निकलता है कब क्या है, कम आइडिया है थोड़ा। तो गोप्रो भी आज गाड़ी में रह गया, उसी वजह से चिकू का मूड हो गया अपसेट, मेरा भी हो गया, क्योंकि टाइम से एक तो एडिट नहीं हो पाती आपके लिए, जा नहीं पाती है वीडियो, तो वो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। कल भी वीडियो मेरी लेट गई थी, क्योंकि हम क्या सुबह आज मंदिर गए थे, और मंदिर से आने के बाद मैं शॉप पे बिज़ी हो गई, तो मैंने वीडियो पब्लिक करना ही मैं भूल गई। चिकू की इसमें कोई गलती नहीं, चिकू ने उनका काम कंप्लीट कर दिया था। हाँ पूरी रात लैपटॉप ऑन ही रहता है, मैं जितनी भी बार उठती हूँ रात को मेरे को लैपटॉप ऑन ही मिलता है, फिर उसमें कभी चिकू मेरे साथ उठ जाते हैं वो भी लैपटॉप पर लग जाते हैं, फिर क्या हुआ करके।
चिकू बना रहे रोटी, चिकू को मैं नहीं दिखा सकती, तो ये चिकू की है रोटी, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। और ये और बन रही, हाथ हाथ तो दिखा देती हूँ। तो आज तो मजे ही मजे, सब्जी मैंने बना दी, आटा मैंने लगा के रख दिया था, और मेरे को चिकू के हाथ की रोटी खाने की, क्योंकि चिकू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रोटी बनाते हैं, एकदम क्रंची क्रंची। वो मेरे हाथ से नहीं बनती, क्या पता मैं कितनी भी कोशिश करूँ मेरे हाथ से कड़क रोटी बनती नहीं। और सब्जी बहुत ही अम्मनिया, चिकू के हाथ की इतनी अमेजिंग रोटी, मज़ा ही आ जाएगा खाने पर। और शेप पर बिल्कुल भी मज़ा आ रहा, टेस्ट में तो ये बहुत ही गजब की लगती है, यानी वर्ल्ड बेस्ट रोटी। मम्मी के बाद अगर मेरे को किसी के हाथ की रोटी अच्छी लगी है वो है सिर्फ चिकू। और सेकंड रोटी भी उतर चुकी है, जो कि कितनी ज़्यादा क्रंची है आप देख सकते हो। थर्ड रोटी का धीरे धीरे शेप में काफ़ी इंक्रीजमेंट आ रहा है। और ये हमारी दो रोटी, वो तीन रोटी, और दो रोटी और बना देंगे तो हम दोनों के खाना हो गया। खाना तैयार है, एकदम प्लेट में भर के आ चुका है रूम में। ये हमारा गर्मा गर्म खाना, और ये हमारी ठंडी ठंडी एसी। अब इसके साथ करते हैं खाने को एंजॉय। और आपने यहाँ तक व्लॉग भी एंजॉय कर दिया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, वेदिका कोलारा है। नहीं, अब उठाती हूँ। ओके बाय।